मां बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक श्रृंखलाबद्ध मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन मां मंगलामुखी जी के निमित्त मंत्र माला जाप उपरांत मुख्य यजमान रुपिंदर सिंह से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं से यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने भजनों का गुणगान कर इस हवन यज्ञ की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक नकारात्मक सोच का त्याग हम नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख शांति का विकास नहीं होगा। जिसके पास सकारात्मक सोच है उसका जीवन प्रसन्नतामय रहता है, क्योंकि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढ लेता है। वहीं उन्होंने कहा कि अपने मन को सूरजमुखी के फूल की तरह बना लो, जहां जहां गुण दिखे वहां वहां घूम जाओ। इस दौरान प्रसिद्ध समाज सेविका ज्योति चड्डा ने भी अपने जन्मदिन के अवसर पर मां बंगलामुखी धाम में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया और केक भी काटा गया। तो वहीं धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज ने ज्योति चड्डा को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर नीरज कपूर, श्रीकंठ जज हैरी शंकर शर्मा, विक्रम भसीन, संजीव सौंधी, बलजिंदर सिंह, रविंद्र बांसल, प्रिंस कोंडल, अनिल चड्डा, रोहित भाटिया, गौरव कोहली, अमरेंद्र कुमार शर्मा, राजेंद्र कत्याल, राकेश प्रभाकर, बलवंत बाला, मुनीश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मोहित बहल, अशोक शर्मा, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, समीर कपूर, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, यज्ञदत्त, रॉकी, पंकज, बाबा जोशी, करण वर्मा, रमेश महाजन, संजीव शर्मा, मानव शर्मा, राजीव, दिशांत शर्मा, अशोक शर्मा, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, अभिलक्ष्य चुग, लक्की, बाबा खन्ना, सुनील जग्गी, प्रिंस और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय मां बगलामुखी जी। आज मां बगलामुखी धाम गुलमोर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौक के नजदीक स्थित है, मां दे भव्य मंदिर दे विच अज जिहड़ा महामाई बगलामुखी जी दे निमित्त जिहड़ा सप्ताहिक श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ कीता जांदा है, उस दी इक कड़ी दे विच अज भी हवन यज्ञ होए है और दूरों दूरों आईयां संगतां ने हवन यज्ञ दे विच आहुतियां डालियां। महामाई दे चरणां दे विच ध्यान करके उन्हां दे निमित्त ਇਹ ਆਹੁਤੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ। ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਣਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਦਨ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੁਤੀਆਂ ਔਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕਲਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਕਾ ਦਿਓ, ਰਿਣ ਦੋਸ਼, ਪਾਪ ਦੋਸ਼, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਧਾਮ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਜਾਏਗੀ ਮਹਾਮਾਈ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜਨ ਮਹਾਮਾਈ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਪ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲੇ ਪੁਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਜਾ ਸਕੇ।